हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीओएफ की तरफ से आप लोग जानते हैं उनकी दो पोस्टों का यहाँ पर एग्जामिनेशन यहाँ पर जो होने वाले था, जहाँ पर स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके आंसर की भी यहाँ पर आ चुका है। बाकी रहा यहाँ पर जो ईपीओएफ का सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जो पोस्ट है एसएससी का, जो कि आप लोग का यहाँ पर 18 तारीख से होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जो है कब से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर जो मैंने थंबनेल दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि इसका यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, उसी का यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों को कब से मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है वो है यहाँ पर 18 तारीख से यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा। तो 18 तारीख से नॉर्मली यहाँ पर एनटीए की तरफ से एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाता है 3 दिन पहले, मतलब 17, 16 और 15। तो यहाँ पर जो 15 तारीख को यहाँ पर जो आप लोग का एडमिट कर आने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो 15 तारीख को जो है नेशनल हॉलीडे है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 14 तारीख को ही आप लोग का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो पब्लिश हो जाता है। मतलब यहाँ पर कल के डेट तक आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सिटी इंटीमेशन यहाँ पर जो दे चुका है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट तो 18 तारीख को है, तो उससे 3 दिन पहले तो ऑलरेडी देना ही होगा उन लोगों को। तो यहाँ पर जो 14 तारीख और 15 तारीख के अंदर आप लोग का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आने वाला है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे इस चैनल को फॉलो करिए, तो आप लोग को जो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर जो है वेबसाइट पर अपलोड होता है। दोस्तों कैसा लगे वीडियो, अब हमें ज़रूरत है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।